भुना मटन। कोश किचन में आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी भारत में आई थी मिडिल ईस्ट से, और अरब कंट्री में ये कुछ और तरह से पकती थी। भारत में आके इसे अपना रंग दिया गया, और बाद में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में भी ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। इस रेसिपी को बनाना जितना आसान है उतना ही लाजवाब है इसका स्वाद, और इसका नाम है भुना गोश्त, जिसे आपने अक्सर रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में भुने मटन के नाम से भी सुना होगा, जाना होगा, और इसे काफ़ी शौक से खाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस तरह बनाया जाता है भुना गोश्त। तो सबसे पहले हम आँच पर प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है। पुराने ज़माने में इसे मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता था, आज़ादी के वक्त लगभग। और मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर सुबह चढ़ाया जाता था, शाम को उतारा जाता था, और बिना पानी डाले से बनाया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें हम डालेंगे, प्याज वगैरह, ये उसी में गल जाता है। तो अभी ये प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। वैसे कई लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप भी तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर इसे रिवायतन बनाएं तो घी में ही पकाया जाता है। थोड़ा सा घी हम यहाँ पे ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तड़का लग जाए, एक फ्लेवर जो होता है, अच्छी सी खुशबू जो होती है वो गोश्त को मिल जाए। घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब डालेंगे कुछ साबुत मसाले। ये एक तेजपत्ता हमने लिया है, साथ ही ली हैं दो काली इलायची, दो हरी इलायची, 4-5 लौंग ली हैं हमने, और 10-15 दाने काली मिर्च के लिए हैं, ये डाल देंगे। और एक हल्की सी खुशबू आ रही है। अब आधे मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक ढेर सारी, लगभग 2 चम्मच बारीक, हमने जिसे कूट लिया है, आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। और थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने, करीब 1 चम्मच। इसको हल्का सा फ्राई करना है, और अब इसमें डालना है 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हमने, जिसे हमने बिल्कुल मोटा मोटा काट लिया है, इसको भी हम डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही लगभग आधे मिनट बाद आँच तेज़ करके हम इसमें डालेंगे मटन, जो कि लगभग 1 केजी है, इसको भी डाल देंगे, और अब इसे तेज़ आँच पर भूनेंगे। वैसे इसे इकट्ठे जो बैठा कर बनाया जाता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप एक साथ इसे बैठाइए, बनाइए और भून जाइए धीमी आँच पर रखकर। उसके बाद 1 घंटे में 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे इसलिए भूनें ताकि जो इसकी एक महक होती है गोश्त की, वो लहसुन में अदरक में भून के ख़त्म हो जाए। मटन के साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 चम्मच अजवाइन। गोश्त भूनते हुए में 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और जो प्याज है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें बाकी के पीसे मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, जिसे हमने लिया है करीब 1 चम्मच। धनिया पाउडर हम लेंगे करीब 1.5 चम्मच, और देगी मिर्च पाउडर भी हमने लिया है, ये गोश्त को थोड़ी सी अच्छी सी सूरत देगा। साथ ही हम ले रहे हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये लहसुन छिले हुए, हालांकि हमने लहसुन कूट के भी डाले हैं लेकिन इसका अपना एक अलग फ्लेवर होता है। साथ ही हमने 4 साबुत लाल मिर्च ली हैं, ये भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे, नमक ज़्यादा ना डालें, नमक कम हो तो बाद में डाल लें, अच्छे से मिला लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हल्दी डालना भूल गए, हल्दी भी डाल देते हैं। हल्दी हम ले रहे हैं करीब 1/4 चम्मच, और एक बार फिर से मिला लेंगे, आँच को तेज़ रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले मटन में पानी हो गया है थोड़ा थोड़ा, और जब बाद में हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो ये पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी पानी में गोश्त गल जाएगा। अब इसे बंद करते हैं, ढक्कन लगाते हैं, और 2 सीटीज का इंतज़ार करते हैं।
अब दो सीटियां लग चुकी है और इसे अब हम खोलेंगे, एक बार अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अपना ही कितना सारा पानी रिलीज हो चुका है। और अब ऐसे में ये वक्त है कि हम इसमें डालें फेटी हुई दही, जो कि लगभग 75 ग्राम है। और दही डालने के साथ ही इसे हम अच्छी तरह से फिर से चला लेंगे। दही हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि दही की वजह से, उसके खट्टेपन की वजह से गोश्त गलता नहीं है। साथ ही डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच, और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा जायफल आधा चौथाई चम्मच, इसको भी डाल देंगे। आंच को तेज रखेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप बिना ढक्कन लगाए आप इसे धीमी आंच पर किसी भी हल्के ढक्कन को लगाकर पका सकते हैं। ढक्कन लगा के एक सीटी और लगवा लेंगे ताकि गोश्त गल जाए, और उसके बाद जो ज्यादा पानी बचेगा उसे हम सूखा भून के खत्म करेंगे। इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा सा रंग आया है मटन का। अब इस पानी को हमको बिना ढक्कन के चलाते हुए भूनना है, पानी को खत्म करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें पानी ज्यादा है, गोश्त लगभग गल गया है। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा सा मटन में पानी चाहिए तो ठीक है, वरना इस पानी को हम तेज आंच पर भूनते हुए सुखा लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो गोश्त है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और हमें ऐसा ही चाहिए। ज़्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे और इसे बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे आखिरी चीज़ हम इसमें डालेंगे देसी घी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने जो शुरू में घी डाला था वो काफ़ी कम डाला था, और तड़के के लिए स्पेशली डाला था ताकि जो इसकी अपनी घी की जो खुशबू है वो आ सके और गोश्त की लज्जत और बढ़ा सके। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च, वो भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद नमक ज़रूर चेक कर लें। अब ऐसे में आंच को करेंगे बंद और 5 मिनट के बाद इसकी सर्विंग करेंगे। आपको बता दें कि रेड मीट यानी कि गोश्त में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन D3 भी होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी चिकन का, मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप इसके साथ कोई भी कार्बो फूड दूसरा ना लें, क्योंकि ये उसके बाद आपका वज़न घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि गोश्त में ओमेगा फैटी एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। और देख सकते हैं कि घी डालने के बाद एक चमक सी आ गई है भुने गोश्त में और एक खुशबू आ गई है। तो ये थी रेसिपी भुने गोश्त की। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, और आगे आप किस तरह की रेसिपी हमसे जानना चाहते हैं, किन रेसिपीज़ की खासियत हमसे जानना चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई अलग सी रेसिपी के साथ। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही।